Smile, please. जय पोकर मैया ओ मैया जय पोकर मैया, भक्त जनों के संकट। अरे आ गए आप लोग, कैसे हैं आप लोग? बारिश के मजे ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? यहाँ गोवा में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पर ऐसा है हम कहीं बाहर जा नहीं रहे। अगर बुखार बुखार हो गया तो? एक मिनट, बारिश से हमको याद आया कि एक प्लेयर है जिनके घर पे हो रही है धन की वर्षा बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने पोकर तो चालू किया था शौकिया तौर पर और अब खेल रहे हैं। नाम है उनका रतुल स्टीव्स। आइए बताते हैं उनसे, जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। चलिए, नमस्कार रतुल जी। नमस्कार, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया यार, आप बताओ। बस बढ़िया, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। बाकी पोकर वोकर के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया आपके बारे में, अभी आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं स्कूल टाइम से पोकर खेल रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा था मैं 5 years, 8th to 12th, तो तभी थोड़ा सा हिंदी आ गया। तो वहाँ पे 11th में सीखा था ये गेम, फ्रेंड्स के साथ ऐसे मजे में खेलते थे। 11वीं कक्षा से खेल रहे हैं मतलब आप? मतलब फन के लिए खेलते थे और इतना भी कुछ पता नहीं था। हाँ। तो मैंने सोचा दिल्ली में ही वो खत्म हो जाएगा, फिर 12th खत्म होने के बाद कॉलेज के लिए मैं चेन्नई आया। हाँ। तो चेन्नई में बस कॉलेज यहाँ वहाँ चल रहा था, फिर मैं एक और दोस्त से मिला जो चेन्नई में खेलता था, मुझे अच्छा। तो कोई कांटेक्ट था ही नहीं चेन्नई में। हाँ। तो उसके बाद उनके साथ जब खेलने लगे तो वहाँ पे मैंने एक संतोष करके एक प्लेयर से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ और वो तब से प्रोफेशनल थे। तो मैंने सोचा मुझे भी लाइक यू नो इंटरेस्ट बढ़ गया अभी इसमें, तो कॉलेज से ज्यादा मैं भंग करके पोकर खेलने चले जाता था। मम्मी ने तो बोला पहले कॉलेज कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना कर लो। सुताई सुताई हुई थी मतलब है? अच्छी बात ये थी मैं नाना नानी के साथ रहता था, तो नाना नानी मेरे फुल सपोर्ट थे, तो इसलिए मैं बच जाता था मम्मी से। आपके कोई खास मित्र है बचपन के? जिसने मुझे पोकर से इंट्रोड्यूस करवाया अभी वो लंदन में है, पीटर करके नाम है उसका, पीटर शिबू। वो और मैं सेम कॉलोनी में थे, द्वारका जो दिल्ली में है, द्वारका वहीं रहते थे, और मैं और वो सेम बस में थे जब हम स्कूल जाते थे सुबह सुबह। तो बहुत हरकत किए हमने साथ में, स्कूल बंक मारते थे, मैं बस वेट करता था कब स्कूल खत्म होगी तब कॉलेज खत्म होगी। ना घंटी बजते ही जेल खुलती वाली चीज है, घंटी बजे नहीं कि भागो। दिल्ली में तो ये होता था, स्कूल पहला पीरियड स्टार्ट होती थी 7:30 बजे सुबह, और दिसंबर में भी, और दिसंबर में आपको पता है दिल्ली में बहुत ठंड होता है। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है? अरे माँ चुदी पर ही बता रहे हो करे। अब मैं, मेरा फ्रेंड जो पीटर है, हमने बोला यार स्कूल नहीं जाते, बंक करते। हम पहले भी हम बंक करते थे, पकड़े नहीं जाते थे, मतलब बहुत स्मार्टली बंक करते थे। तो हमने सोचा बंक करें, अब पीटर ये बोलने लगे बंक करते, बट बंक करके हम वैन में ही बैठे रहेंगे पूरे दिन, सो जाएंगे वैन। तो हमने क्या किया, शर्ट वर्ट उतार दी, चेंज कर दिए और हम वैन में सो गए। करीब 11:30 बजे कोई हमें उठा रहा है, ठीक है, हम देख रहे यार बहन भैया होगा, हम ऐसे उठ रहे तो वो हमारा पीटी मास्टर था स्कूल से। पीटी मास्टर मतलब शॉक हो गया हम दोनों को देख के, क्योंकि उनको नहीं पता था कौन था। और हम दोनों, वो हमारा मतलब फुटबॉल कोच थे सर जैसे, तो वो कह रहे तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो पीटर बोल रहा है सर छोड़ दो हम घर भाग जाएंगे इनसे। तो मैं तो रोने बैठ गया वहां पे, पहली बार पकड़ा गया हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मतलब प्रिंसिपल ने बुलाया तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा। तो हमको लेके गए, वो सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मतलब पूरा स्कूल देख रहा है और हम असेंबली क्रॉस करके जा रहे, और एक हफ्ता में सस्पेंड कर दिया था। 2013 या 2014 में मैं इससे मिला था, आदित्य सुशांत, उससे साथ मिलके फिर उससे दोस्ती हुई। और वो टूर्नामेंट्स काफी खेलते थे, तो उनके साथ मैं भी मतलब उनसे सीखता था थोड़ा सा, फिर मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद PSL के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो वहां पे मुझे प्रो ड्राफ्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फोकस स्पोर्ट्स लीग में मतलब मैं सबको पहचानने लग गया, फिर सबसे दोस्ती हुई, फिर समझ आया मतलब सब
क्या लेवल में खेलते और मतलब एकदम ऊपर कैसे बढ़ाते। हाँ तब मुझे मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी मिली था कि इतना बड़ा है ये। फिर एक स्टेकिंग ग्रुप में ज्वाइन किया मैं, तब एजा करके था जो अभिषेक जलान कार्तिक ने शुरू करवाई थी बहुत पहले, तो उसमें अभिनव अय्यर मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था, तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया इन लोगों से, तो फिर वहां से मतलब लाइक एक प्रोफेशनल लाइफ बन गया है। आपका फेवरेट हाथ कौन सा पोकर के अंदर? फेवरेट हाथ जैक्टन सूटेड अच्छा लगता है मुझे, और क्वीन नाइन भी अच्छे लगते हैं। काफी लोग पूछते हैं क्वीन नाइन क्यों, बट मेरा मतलब इतना एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट मतलब थोड़ा सा मैं अटैच्ड हूं उस हैंड से। पोकर के अंदर भी एक कहानी है आपकी कोई? मैं एक जीतने वाली कहानी बताता हूँ जो मतलब जो थोड़ा सा टर्निंग भी था, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये कुछ 2016 या 15 में था, तब pokerstars.com होता था, तो उसमें क्या था मैंने करीब $2,000 इन्वेस्ट किए सारे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। मैं सब बस्ट हो गया था, और अब मैं सोच रहा हूँ भाई खराब ही चला गया पूरा। तो उसमें क्या होता था, एक VIP पॉइंट्स करके एक चीज होती थी, तो उसको जैसे आप कैश गेम खेलते हो को थोड़े पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हो ना उसको आप पैसे में रिडीम कर सकते हो। तो मेरे पास करीब 12,000 पॉइंट ऐसा कुछ था, तो $120-130 आए थे, और उसमें मैंने दो टूर्नामेंट रजिस्टर किए, एक रजिस्टर कर दिया एक $100 वाला, एक कर दिया था एक $22 वाला, और $22 वाला ऐसा था करीब 9,000 लोग खेलेंगे उसमें, वो था एक संडे मिलियन। वो स्टार्ट हुआ मतलब रात के 12:30 बजे कुछ, मैंने सोचा चलो ये दोनों खेलना शुरू करेंगे, $100 में मैं बस्ट हो गया। अब ये वाला चलता गया और 9,000 की फील्ड थी, और सुबह करीब 6 बजे के आसपास 500 बचे हुए लोग, और ऑलरेडी इन द मनी आ गया था। अब मैं मतलब प्रे वे करने लग गया हूँ, भाई कुछ भी ओके ये तो जीतना है। हाँ मतलब जीतना भी नहीं है, फाइनल टेबल तक पहुंचा दो, ताकि क्योंकि $2,000 तो हमने इन्वेस्ट किए, फाइनल टेबल पहुंच गए तो $5,000 के आसपास मिल रहा था, ताकि मिल जाए तो बहुत है। मेरा काफी अच्छा स्टॉक भी था, मतलब 500 में से मैं 100 में था कहीं मेरा स्टॉक। अच्छा। मैं खाली वेट आउट कर रहा था और मैं बहुत टाइट खेल रहा था, मतलब मुझे इतना इंतजार कर रहे थे अपनी अपनी मतलब बस आ जाओ कहीं ना कहीं। हाँ बस पकड़ के रख रहा था अपने स्टॉक को, ताकि कुछ गलती ना करूं और मैं मतलब लूज नहीं खेलूं, बट थोड़ा कंट्रोल था। 11 बजे के करीब मतलब फाइनल टेबल आ गया था, और जब मैं ओपोनेंट्स को देख रहा हूँ, ताकि कैसे बताऊं मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, कोई और बंदे खेल रहे वो बस्ट हो रहे, मैं बस वेट कर रहा हूँ। हाँ और वैसे होते होते मैं हेड्स अप पहुंच गया, मैं खाली हेड्स अप खेला फाइनली हेड्स अप खेला, फिर हमने फाइनल टेबल की दुआ करते हेड्स अप पे आ गया दो लोगों के बीच में। हाँ हेड्स अप पे आ गया, वो कोई एक ब्राजील का कोई प्लेयर था, तो फिर 12 बजे के करीब हेड्स अप शुरू हुआ। और डिफरेंस ऐसा था, सेकंड को मिल रहा था कुछ $18,000 और फर्स्ट को मिल रहा था कुछ $22,000। तो हमने क्या किया, हमने डील कर लिए, तो हमने मतलब दोनों $20,000 लेंगे और $2,000 फर्स्ट जो भी जीत रहा उसके लिए रखेंगे करके। उसके बाद तो हम खाली ऑल इन करने लगे। उसके बाद उसमें उसमें मैं जीत गया था, तो वो एक ऐसा टूर्नामेंट जो मतलब बहुत खुश हो गया था मैं उस टूर्नामेंट में। खुशी के आंसू एकदम आंखों के अंदर आ गए होंगे आपके। अरे मतलब ऐसा लग रहा था कि आपका जैसे सिर का एक फीलिंग होता ना, मतलब एकदम हल्का होके जब उड़ रहे होते हो एक फीलिंग आता है एक सिर में। म्यूजिक वो वाला फीलिंग एकदम अलग था। फिर वहीं पे उस टूर्नामेंट के बाद थोड़ा यू नो टूर्नामेंट में काफी इंटरेस्ट चलने लगे। ये मतलब मैं मान सकता हूं आपका सबसे बड़ा पॉट मान सकता हूं मैं ये आपका कि आपने जीता हुआ सबसे बड़ा पॉट। अभी हम आपसे पूछेंगे कुछ एकदम तेज रफ्तार वाला सवाल है ना, हम बॉलीवुड वॉलीवुड में देखे एकदम के लोग वो रैपिड फायर करके क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल तेज रफ्तार के साथ, ठीक है? आपका पहला सवाल है, हम देखेंगे थोड़ा सा हम क्या भूल जाते हैं, थोड़ा देख के बताएंगे। आपका पहला सवाल है, पोकर में आपके जानी दुश्मन कौन है? इसके साथ ये 10 सेकंड के बाद में बजने लगेंगे, आपको 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। वेरियंस करके एक चीज है पोकर में, जो जिससे आपका अनलकी हो जाते हो उसको वेरियंस बोलते हैं। वो सबका दुश्मन ही रहता है, कोई प्लेयर तो हमारा दुश्मन नहीं होता है, खाली सारे प्लेयर्स का वेरियंस ही दुश्मन होता है। एकदम पोकर वाला दिमाग लगा के जवाब दिया आपने। चलो आपका दूसरा सवाल है,
आपके जीतने के बाद आपका असली रिएक्शन क्या होता है? फेस पे दिखाएंगे आपका असली रिएक्शन इस 10 सेकंड के अंदर। यही है मेरा असली रिएक्शन जीतने के बाद। जीतने के बाद अगर दोस्त होते तो हम बस खाली हंसने लग जाते, गले वले मिलते। हाँ। और अगर कोई नहीं होता तो मैं बस एक गेस करता हूँ, फिर फूकने उठने चले जाता हूँ। जीत गए। और हाँ, तीसरा सवाल है आपका, आपके हिसाब से इस पोकर के अंदर सबसे हैंडसम सुंदरी कौन है? हैंडसम सुंदरी? हाँ, सवाल 10 सेकंड चुपचाप होते आपके। अब सोचा तो नहीं था, मुझे काफी लोगों का नाम भी नहीं पता यार, टू बी फ्रैंक, मेरा सर्कल बहुत छोटा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 रचिता, आप उनको जानते नहीं हो तो मैं भी बच जाऊंगा। ये आप खेल गए हमारे दिमाग के साथ है। तो हम ये बजाने वाले थे। चेन्नई का एक प्लेयर है, मेरा काफी अच्छे दोस्त का फ्रेंड है। हाँ। रचिता करके, तो उनके साथ भी हम खेलते भी है। हाँ। हाँ, काफी सुंदर दीदी है। अच्छा, तो हमारा एक और इसमें हमारा हमने डाला है, हमने ना हमारे अंदर का हाँ, ख्याली पुलाव। हाँ। अगर आपको रातों रात अगर आप सोए अपने कमरे के अंदर और आप सुबह हाँ, उठते हैं तो आप क्या देखते हैं? हाँ। आपका कमरा भरा हुआ पैसों से, तो आपका रिएक्शन और आप क्या करेंगे उन पैसों के साथ? पता नहीं यार, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो रूम से तो मेरा रूम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा का रूम बन जाएगा, उसको संभाल के तो रखना होगा, वो पहली बात है। शॉक तो हो जाऊंगा, बट टू बी फ्रैंक पहले तो ये ढूंढूंगा था कि किसने रखे इतने सारे पैसे, वो तो देखना पड़ेगा। बट पर्सनली काला पैसा निकल गया तो एग्जैक्टली, तो पहले पूछना पड़ेगा किसने रखे, क्या सीन है। बट मैं मतलब इतना बड़ा ड्रीम नहीं किया हूँ पैसे वैसे का, तो पता नहीं, शौक तो रहूंगा, पहले एक दो महीने तो लगेंगे सोचने के लिए क्या करूं मैं इतने सारे पैसे के साथ। ट्रैवल करूंगा, वो सबसे पहला चीज है। हाँ। तो अभी हम थोड़ा सा, आप हमें बताएं, अभी तो हम फिलहाल हैशटैग पोकर के अंदर सीख रहे हैं अपना पोकर, थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं हम हमारा पोकर। आप थोड़ा बताएं कि हम थोड़ा और आगे कैसे बढ़े इस पोकर के अंदर, थोड़ा टिप दीजिए हमको, आप इतना प्रोफेशनल प्लेयर बन गए तो। हाँ, टिप ये है ताकि मतलब गेम तो मतलब हर कोई सीख सकता है, बट उसमें एक्सेल करने के लिए आपको ऑन मतलब फेल्ट में भी हो, गेम पे भी हो, या आपका नॉर्मल लाइफ भी हो, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा माइंड को मतलब ओपन रखो सीखने के लिए। हाँ। है ना, और गलतियां तो हम करेंगे ही करेंगे, बट वो जानना पड़ेगा ताकि हम गलती कर रहे हैं, और हमेशा ओन अप करना है। जब हम ओन अप कर लेते ना, हाँ भाई मैं गलती कर ही रहा हूँ, तब उसके बाद ही हम मतलब कुछ उसके बारे में सीख पाएंगे। आपने भी एक नया आइडिया है कि ओपन माइंड रखने का, एकदम खुला खुला सोचने का, मतलब जो बोले वो ज्ञान लेने का। चलिए फिर, जब भी आप गोवा आएंगे तो साथ बैठ के खेलेंगे और डील करेंगे फिर। पक्का। चलिए फिर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमें। नमस्कार। लाइकवाइज ब्रो, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अरे भैया, इनसे बचा गए तो हमको समझ में आया कि अभी पोकर मैया की हमको थोड़ी सी और आराधना करनी पड़ेगी। जा रहे हम पूजा पाठ करने, अरे पोकर सीखने, हैशटैग पोकर में। चलिए फिर, बताते हैं हम थोड़ा सा आपसे बाद में, ठीक है? चलते हैं फिर, प्रणाम, स्माइल प्लीज।